हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है दिवाली, आप सबों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखते हैं 14 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किस राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर, क्या नाम है, प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। किस राज्य में किया गया है? हरियाणा में, है ना। तो अभी हाल ही में किस राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण से हाल ही में किस राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का जो अनावरण किया गया है, ये कहाँ किया गया है? हरियाणा में। तो हरियाणा में ये किया गया। क्वेश्चन नंबर दो पर आते हैं। अभी हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा, क्या लिखा, आई एम नो मसीहा, MESSIAH, आई एम नो मसीहा, अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा दिसंबर में रिलीज करेगा। कौन करेगा? तो ये सोनू सूद, बॉलीवुड एक्टर हैं साउथ के, सोनू सूद। तो अभी हाल ही में इसने जो है अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा दिसंबर में रिलीज करेगा, सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर तीन पर आते हैं। हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध बॉलीवुड अभिनेता से है। वो ये जो है बॉलीवुड एक्टर हैं, इनका नाम क्या है? आसिफ बसरा। तो हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? बॉलीवुड अभिनेता से। तो वो बॉलीवुड अभिनेता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए तो क्या है। हाल ही में वर्ल्ड काइंडनेस डे विश्व दयालुता दिवस, है ना, वर्ल्ड काइंडनेस डे विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 13 नवंबर को। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया? 13 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर फाइव पर आते हैं। फाइव में देखिए क्या है। अभी हाल ही में किसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज की घोषणा की। 3.0 पैकेज आत्मनिर्भर भारत देने की घोषणा किसने की? तो ये किया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में जो है हाल ही में चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है, तो ये कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर सेवन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में, है ना। अभी हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर एट पर आते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है काश पटेल को। क्या नाम है? काश पटेल। इन्हीं का एक नाम और भी है, कश्यप प्रमोद पटेल, आप लोग ये भी सुने होंगे। तो काश पटेल और कश्यप प्रमोद पटेल एक ही आदमी का दो नाम है, जो भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ बने। क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो ये क्या है? वागीर का। लेकिन वागीर को कहीं कहीं आपको वजीर भी पढ़ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन रियल है वागीर, मैक्सिमम जगह वागीर होगा। तो भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो वागीर का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर टेन पर आते हैं। हाल ही में राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित मांझी भीत, क्या नाम है, लिखी मांझी भीत, इसका अर्थ होता है मेरी दीवार। मांझी भीत किताबें, मतलब मेरी दीवार किताबें, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये भगत सिंह कोश्यारी द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इनको एडिशनल चार्ज है, ये गोवा के भी गवर्नर हैं, भगत सिंह कोश्यारी। तो हाल ही में राजेंद्र दर्टा द्वारा लिखी पुस्तक जो है मांझी भीत मेरी दीवार किताबें किसके द्वारा लॉन्च की गई है?
भगत सिंह केसीआरटी द्वारा। धन्यवाद, ये था आज का करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं अगले दिन, अगले दिन के करंट अफेयर्स लेकर के। धन्यवाद।